कुमाऊं कमिश्नर अरविंद हयांकी ने नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण सभागार में जिला स्तरीय झील विकास प्राधिकरण, नगर पालिका सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग द्वारा नैनीताल में संचालित और क्रियान्वित होने वाले विकास कार्यों की आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आयुक्त अरविंद हयांकी ने कहा कि मानसून आने से पहले शहर के सभी नालों और झील किनारे चल रहे निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। साथ ही उन्होंने ठंडी सड़क के सौंदर्यीकरण को लेकर अधिकारियों को अहम निर्देश भी दिए, जिसमें झील से लगी ठंडी सड़क में नैनीताल में आने वाले सैलानियों के लिए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की कार्य योजना पर भी काम किया जाए। अभी तो मैं सभी जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि यहाँ पार्किंग की जो समस्या आती है वो हम उसका समाधान निकट भविष्य में कैसे कैसे कहाँ कहाँ नए पार्किंग साइट्स डेवलप करते हुए कर सकते हैं। लोग ब्यूटिफिकेशन के एंगल से भी सोच रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कमियाँ लग रही हैं, उनको कैसे दूर किया जा सकता है। विशेषकर अगर नैनीताल के रेफरेंस से बात करेंगे तो हम सोचते हैं कि ठंडी सड़क फांसी गदरे से जो यहाँ कलेक्ट्रेट, राजभवन, सेंट जोसेफ, सेंट मैरीज, इनके लिए जो गाड़ियाँ आती हैं उनको वहाँ पर रोक करके उनकी प्रॉपर पार्किंग और वहाँ पर रहने, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, इनकी सुविधाएँ लोगों को दे सकते हैं। और उसी के सामने अगर हम एक बोटिंग के लिए भी अगर वहाँ पे स्टेशन टाइप के बना सकें बढ़िया तरीके से, तो फांसी गदेरा एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा गेटवे हमारे ठंडी सड़क के लिए। और ठंडी सड़क में हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए जो छोटे छोटे कैफेटेरिया, व्यू पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें वहाँ पे साइकिलिंग के लिए या बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए या ओपन जिम, इस तरह की चीज़ें कुछ क्या कर सकते हैं उसको हम लोग चर्चा करके कि उसको बाद में एक प्लान के रूप में शक्ल देंगे। आवाज़ उत्तराखंड के लिए नैनीताल से सुनील बोरा की रिपोर्ट।